नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर लेते हैं आज किस खास खबर पर। यह खबर है बालाजीपुरम स्थित, यहाँ पर एक पहाड़ है जहाँ से ये रास्ता खोदने का प्रयास चल रहा था, जिसको लेकर कई बड़ी दिग्गज नेता आए और उनके द्वारा यहाँ पर भूमि पूजन किया गया और रास्ता के खुदाई का काम यहाँ पर चालू हो गया। लेकिन अब ये खुदाई का काम यहाँ बंद पड़ा हुआ है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई दिनों पहले मांग की हुई थी कि यदि पहाड़ खोद कर रास्ता नहीं दिया गया तो उन्हें रास्ता नहीं तो वोट भी नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की मांग को लेकर जनप्रतिनिधि ने वहां जाकर के लोगों को आश्वासन दिया और भूमि पूजन करके यहां पर खुदाई का काम चालू करा दिया। लेकिन अब ये काम फिर से बंद पड़ा हुआ है। यहां पर विद्युत विभाग का एक सब स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसको लेकर यहां पर काम चालू हो गया है, जिसको लेकर यहां के बाढ़ वासियों के द्वारा काफी नाराजगी जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इस पहाड़ की खुदाई का काम जल्द से जल्द चालू कर देना चाहिए, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। ये हनुमान टोरी पीछे वार्ड नंबर 38 में रोड का मामला है। यहाँ पे MPV बन रही है। MPV के बगल से रास्ता दी गई थी, लेकिन उसका कुछ अभी तक पता नहीं चला। 2 महीने पहले रास्ते के लिए सब नेताओं वगैरह ने बोल दिया था कि रास्ता निकाली जाएगी, लेकिन उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। ना तो यहाँ रास्ता हुई अभी, ना कुछ उसका पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। खबर दिन भर बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। आपके कपड़े, आपका फैशन आपको बनाता है औरों से अलग, यानी कि मैन से जेंटलमैन बनने के लिए जरूरी है वक्त के साथ बदलते फैशनेबल कपड़े। तो अपनी शख्सियत को निखारें मस्ताई गारमेंट्स पर आकर। रेडीमेड कोट, ब्लेजर, शादी ब्याह में राजसी लुक के लिए शेरवानी, यूथ के लिए इंडो वेस्टर्न कोटी, जीन्स, फॉर्मल वियर, शर्ट, टी शर्ट और पार्टी वियर शर्ट्स, हर तरह के फैशनेबल और डिजाइनर कपड़े रीजनेबल कीमत में मिलने का एकमात्र स्थान मस्ताई गारमेंट्स, हटवारा रोड छतरपुर। प्रोप्राइटर निशांत जैन। संपर्क करें 9893113652 और 7566666552। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है सागर रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ATM की। यहां पर ATM जो लगा हुआ है वह 12 बजे से यहां के ATM का हूटर बजता रहा, तो वहीं जो ग्राहक यहां पर पैसा निकालने के लिए आते हैं, जब ATM फंसा दिया जाता है, ATM फंसाने के बाद जब पासवर्ड डालने की बात आती है तो उन्हें करंट का झटका भी लगता है। कई ग्राहकों को इस तरह का झटका भी लगा, जिसके बारे में यहां के जो अग्रवाल पेट्रोल पंप के जो संचालक लोग हैं इनको बताया गया। हालांकि यह इन लोगों को इसलिए बताया गया कि यहाँ पर ना तो कोई गार्ड तैनात है और यहाँ पर पैसों का लेन देन भी होता है, लेकिन यहाँ पर CCTV कैमरे के माध्यम से ही यहाँ का पूरा संचालन चल रहा है। संचालन तो चल रहा है, लेकिन आप कुछ तस्वीरें से हमारी खबर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी देरी से हूटर बज रहा है। और यह 12 बजे दोपहर से यह हूटर बज रहा है, रात्रि में 11 बज चुके हैं और रात्रि में 11 बजने के दौरान तक यह हूटर लगातार जारी है। तो वहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्राहक हैं यहाँ पर जो पैसा निकालने के लिए आते हैं, उनको इस ATM से करंट का झटका भी झेलना पड़ता है। ये ATM है पंजाब नेशनल बैंक का, जो सागर रोड अग्रवाल पेट्रोल पंप पर लगा हुआ है। ये सुबह दोपहर 12 बजे से लगभग हूटर बज रहा है और कोई यहाँ पर देखने नहीं आया। अभी रात के 10 बज चुके हैं, फिर भी इसकी कोई बताया जा रहा है कुछ लोग जा रहे हैं ATM को छू रहे हैं तो करंट भी लग रहा है। कुछ लोगों ने बताया, अभी एक दो लोग निकले यहाँ से, उन्होंने बताया पैसे चेक करने आए थे, वो ATM की मशीन करंट मार रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई देखने नहीं आया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय अवस्थी। आइए इस बुलेटिन की खबर पर नजर डालते हैं, जहां पर बमीटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वरेठी गांव में 4 सितंबर को हुई हत्या को लेकर उनके परिजनों ने SP ऑफिस में ज्ञापन सौंपा है और हत्या का खुलासा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारी देते हुए लक्ष्मण सिंह ने बताया है कि उनके छोटे भाई 4 सितम्बर को ट्रैक्टर सुधरवा कर अपने घर वापस आ रहे थे, उसी वक्त किसी ने उनको कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक ना ही किसी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ना ही हत्या का खुलासा किया गया है।
उन्होंने एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपते हुए हत्या का खुलासा एवं आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। 4 तारीख की घटना है। एक कृषक हैं जो विष्णु राजा थे, वो किसान थे, वो अपना ट्रैक्टर ठीक कराने के लिए आए थे रात्रि में। ट्रैक्टर ठीक करा के गए, घटना ऐसी जगह हुई कि जिससे ऐसा लगता है कि विलम्ब हो रही घटना, शीघ्र खुलना चाहिए। बड़ा अपराध है, हत्या है, और क्षेत्र में माहौल ख़राब हो रहा है। कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास ऐसे मठ रहा है, इसलिए आज सब लोग आए। क्षेत्र के अन्य गांव के भी प्रतिष्ठित लोग हैं। नहीं, जो ड्राइवर के द्वारा बताया गया होता है एक्सीडेंट, अस्पताल ड्राइवर से पूछताछ के लाने बैठाया था पुलिस, लेकिन अभी कोई खुलासा नहीं हुआ उसका। क्या आप चाहते हो पुलिस से? हम बस खुलासा चाहते हैं, और जो अपराधी हैं उन्हें सजा मिलना चाहिए, और जो हम और का दहशत है क्षेत्रवासियों का, हम लोगों ने बस वो समाप्त हो जाए। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सानी। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं एक धार्मिक खबर, जहां पर जन्माष्टमी के पावन पर्व के बाद अब यादव समाज द्वारा विजावर में मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर कुछ तस्वीरों के माध्यम से। विजावर में मटकी फोड़ कार्यक्रम मोहनगंज से शोभा यात्रा के रूप में उसे निकाल कर जानकी निवास मंदिर तक पहुंचे, जहां इसकी हजारों की संख्या में यादव बंधु मौके पर मौजूद रहे। जानकी निवास मंदिर में समाज के वरिष्ठ जनों सहित लोगों द्वारा उद्बोधन भी दिए गए, साथ ही यादव समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। गांव की टोलियों को मटकी तोड़ना थी, जिसमें कई गांव की टोलियां ग्वालाओं के इस झुंड में शामिल हुई। वहीं सभी टीमों के द्वारा जौहर अजमाए गए, मगर ग्राम पाली की टीम ही मटकी फोड़ने में सफल रही। वहीं पर निर्धारित इनामी राशि 1000 रुपए व अन्य पुरस्कृत भी यादव समाज के द्वारा इन ग्वालाओं को भेंट के रूप में दिए गए। यह मटकी फोड़ कार्यक्रम बड़ा ही आनंददायक रहा, जिसका आनंद लेने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इस कार्यक्रम को देख रही थी और उसका मजा भी ले रही थी। समाज को संगठित करके हर वर्ष इसी तरह का कार्यक्रम होता रहेगा, जैसे सब लोगों को इकट्ठा होकर मिलजुल के बैठने का मौका मिलता है, बात करने का, चीज में सुख दुख सुनाने का, जिसमें मैं सदा समाज के साथ सहयोग रखने की अपील करता हूँ। जब भी मेरी जरूरत है किसी समाज वाले को, तो 12 बजे रात के भी साथ रहने को अपना खून पसीना एक करने के लिए तैयार। तो इस तरह से विजावर में मटकी फोड़ का कार्यक्रम सुचारू रूप से कार्यक्रम संपन्न कराया गया। और चलिए आपको दिखाते हैं इसी बुलेटिन में दूसरी खबर, जो कि चंदला क्षेत्र से है। यहाँ चंदला में भी वहाँ के ग्रामवासियों द्वारा एक मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वसैया थाना प्रभारी हेमंत नायक मौजूद रहे, जिन्होंने सभी दूर दूर से आए हुए लोगों को और ग्रामवासियों को मटकी फोड़ने वाले ग्वालाओं को सभी अतिथियों का सम्मान और स्वागत कराया और कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाया। इसके दौरान प्रतियोगिता रखी गई, जो की एक खास रोचक थी, जिसमें एक पाइप के ऊपर मटकी को बांधा गया था और उस लोहे के पाइप में ग्रीस लगा दिया गया था, जिस पर चढ़कर ग्वालों को मटकी तोड़ना थी। हालांकि यह काम बड़ा ही खतरनाक था, लेकिन 63 ऐसे ही ग्वालाओं ने अपने अपने प्रयास किए, जिनमें युवाओं के साथ में बुजुर्गों ने भी अपना जौहर आजमाया और मटकी फोड़ने में असफल रहे। तभी कमेटी के निर्णय के बाद उन्हें दूसरा अवसर दिया गया, जिसमें एक गांव के 10 सदस्यों के ग्रुपिंग में ग्वालाओं ने मटकी को फोड़ा। वंश की टीम ने, जो कि उसका कप्तान मुन्ना शुक्ला जी है। जी, कितनी टीमों ने इस पे पार्टिसिपेट किया? पहले एक कल उसमें तो 65 नहीं जी, और उसके बाद 13 आई हमारे सामने जी, उसमें और बाद में जो है तो विजेता वंशी टीम। अच्छा, तो ये एकल प्रतियोगिता में किसी ने भी मटकी नहीं फोड़ पाई? नहीं फोड़ पाई। जो ग्रुप वाइज मटकी फोड़ने का प्रोग्राम हुआ, उस पे बंसिया टीम ने विजयश्री हासिल की। बंसिया टीम ने विजय। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खबर विजावर क्षेत्र की। यहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि बखूबी संपन्न रहा। आपको बता दें, आज विजावर के स्थानीय मेला ग्राउंड कम्युनिटी हॉल में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संपन्न कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य
धीरेन्द्र शिवहरे, कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदीश सेन ने की। कार्यक्रम में विधानसभा विजावर के तीनों मंडलों विजावर, सटई, ईशानगर के पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष एवं पदाधिकारी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। वहीं सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत भी की। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा विजावर मंडल अध्यक्ष राजेश साहू द्वारा स्वागत भाषण दिए गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में भी बतलाया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव की रूपरेखा के बारे में विस्तृत जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई। इसके पश्चात अन्य वक्ताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। ये पूरे मध्य प्रदेश में आज के समय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा विधानसभा सम्मेलन की रखा गया है, लेकिन चूंकि समय कम होने के कारण और डेट का जल्दी मिलने के कारण थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं हो पाया। लेकिन ये जो योजना है मध्य प्रदेश शासन की, उनको जन जन तक कैसे पहुंचाएं, पिछड़ा वर्ग जो आयोग बना है या केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की जो योजनाएँ हैं कितने हित में काम कर रही है पिछड़ा वर्ग की, वो हर बूथ तक पहुँचना है, ये उस कार्यक्रम का उद्देश्य था। आज कार्यकारिणी की बैठक करी गई, आज से ऊर्जा दी जाए तो आगामी विधानसभा में ऊर्जावान होकर काम करें और जो पिछड़ा वर्ग के लिए जितनी भी योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं शासन की हैं उनको जन जन तक पहुंचाए, भाई अधिकतम सरकार भी बने चौथी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। संगम सेवारे द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर हर रविवार को पौधरोपण एवं सफाई कार्यक्रम चलाकर इनकी सुरक्षा का संकल्प लिया जाता है। सेवालय की ट्री एम्बुलेंस द्वारा इन पौधों में पानी डाला जाता है। संगम सेवालय के सदस्यों ने इस रविवार को चौबी तरह से लेकर बीएड कॉलेज के सामने डिवाइडर की सफाई की एवं बीच में जो खाली जगह पड़ी थी उसमें लगभग 3 दर्जन पौधे रोपे गए। इस अवसर पर संगम सेवालय के संचालक विपिन अवस्थी, अंजू अवस्थी, के एन सोनम, डॉक्टर कुसुम कश्यप, संजय अवस्थी, श्रीराम गंगेले, अजय चतुर्वेदी, नीलम पांडे, डीडी तिवारी, बाल मुकुंद पौराणिक, राजेश मिश्रा, रागी अवस्थी, एंजल अवस्थी, मोहम्मद रही सहित अन्य समाज से भी मौजूद रहे। संगम सेवालय के साथ हम लोग ने टारगेट लिया है अपने शहर को हरा भरा और स्वच्छ बनाने का। उसी के तहत में हम हर रविवार को संगम सेवालय की टीम के साथ में वृक्षारोपण और सफाई का काम कर रहे हैं। आज संगम सेवालय की तरफ से हम लोग आए हैं और LIC ऑफिस के यहाँ से लेके चौबे तिगड्डे तक काम किया है। पहले मैंने जब भाई साहब को देखा ये काम करते हुए तो मेरे अंदर एक प्रेरणा आई कि हम सबको भी ये करना चाहिए, तो मैं भी भाई साहब के साथ रोज़ आती हूँ और सभी से अपील करती हूँ कि सभी को आगे आना चाहिए इस कार्य में, क्योंकि ये निस्वार्थ कार्य हो रहा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला। कांग्रेस द्वारा 10 तारीख को छतरपुर बंद का आह्वान किया गया है। इसके लिए कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने कहा कि बंद को शांतिपूर्वक तरीके से करना है और इसको सफल बनाना है। गौरतलब है कि पेट्रोल की कीमतें 86 रुपए से पार हो चुकी हैं, डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं, पिछले 10 दिनों से लगातार रेट बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद सरकारों की तरफ से किसी भी प्रकार की कटौती न तो टैक्स में की जा रही है और न ही इनके दाम कम किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है, जिसके लिए कांग्रेस द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता अभिलेख खरे, अरुण मिश्रा, चौबे चौधरी, स्मिता खरे, अनवरी खातून सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो संपूर्ण भारत 10 तारीख को बंद होना है पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर, उसके तहत आज जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों यहाँ पर बुलाया गया और उनसे ये अपील की गई है, कल सुबह सारे लोग राजीव भवन में इकट्ठे होंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद जाकर सारे लोग शांतिपूर्वक बंद कराएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। SC ST एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में सपास संगठन अब मुखर होता जा रहा है। नौगांव में भी इसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ये अपील की गई है कि अब आगामी विधानसभा चुनाव में सपाक्स का संगठन भी
चुनाव लड़ेगा और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगा, जिसके लिए सभी को संगठित होना पड़ेगा। एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट के अलावा प्रमोशन में आरक्षण और तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को संगठित रहने की बात कही गई। इस मौके पर वीपी चंसौरिया, रमाशंकर मिश्र, संतोष गंगेले, सनातन रावत, मीनाक्षी पटेल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस बैठक का मूल उद्देश्य सपाक्स शब्द का परिभाषित करना और सपाक्स के जो तीन व्यंग हैं, सपाक्स कर्मचारी, सपाक्स युवा वर्ग और सपाक्स समाज, तीनों का अलग अलग गठन करके अलग अलग नेतृत्व लोगों के हाथ में। एट्रोसिटी एक्ट के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने यह संशोधन किया है, ये कि जो टेस्ट मतलब हरिजन हुए जो उन रिपोर्ट कर देते हैं और तत्काल उस पर गिरफ्तारी होती है, यह गिरफ्तारी जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि पहले जांच कर लो फिर उसके बाद गिरफ्तारी कर लो, लेकिन इन लोगों ने जो 2 तारीख को इन्होंने बंद किया, भारत बंद, उसको उसके विरोध को देखते हुए इन लोगों ने संसद में 2 मिनट में कानून लाए और पास कर दिया। मैं इन लोगों से यह पूछना चाहता हूँ कि जब तक बिना जांच तो कोई डॉक्टर दवाई भी नहीं देता, आप किसी को जेल में कैसे डाल सकते हैं? मैं क्या, मुझे लगता है कि जो प्रबुद्ध है, जो जानता है, वो इसका बिल्कुल भी समर्थन तो कर ही नहीं सकता, वो विरोध ही करेगा। और यहाँ मैं ये भी कह दूँ कि ये जो हमारा संगठन है, अगर वास्तव में देखें तो जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, तो क्या उनके परिवार को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? मैं ये मानती हूँ कि जो क्लास वन हो गया है, सुपर क्लास वन है, तो क्या वो सामाजिक तौर पर पिछड़ा है? क्या वो आर्थिक तौर पर पिछड़ा है? वो स्वयं से अपना हक छोड़ सकते हैं, अपना आरक्षण छोड़ सकते हैं? ये हमें सोचना होगा, ये उन्हें भी सोचना होगा कि नमस्कार खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला। भगवान श्री कृष्ण का जन्म का पर्व जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। कई जगहों पर उनके जन्म के 6 दिन बाद छठी का पूजन भी किया जाता है। छतरपुर में भी कई जगहों पर महिलाओं द्वारा ये व्रत और त्यौहार पिछले लगभग 35 सालों से मनाया जा रहा है। शशि मिश्रा बताती हैं कि वे पिछले 30-35 सालों से लगातार ये व्रत रख रही हैं। जिस दिन भगवान का जन्म होता है उस दिन से लेकर 6 दिन तक सिर्फ मेवे का प्रसाद लगता है और फिर छठी पूजन के बाद फिर उन्हें अन्न का प्रसाद दिया जाता है। तो कई जगहों पर ये छठी का पूजन किया जाता है। ये जो है जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन भगवान की झांकी हम लोग सजाते हैं, उनको जो है फलाहार ही भोजन बनता है, उनका गरी मखाना मेवा सब मिष्ठान बना करके उनका भोग लगाते 12 बजे रात को ही हम जन्म करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का। और उसके बाद रोज जो है 2-4 भजन जो होते हैं हम लोग कर लेते हैं, 6 दिन तक रखते हैं उनको, अन्न का भोग 6 दिन नहीं लगता। 6 दिन के बाद आज जो है सुबह से हमारे यहाँ से कब तक कितने दिन तक झांकी सजाई? 6 दिन। कितने सालों से आप? आज 35 साल 36 साल हो गए हमको भगवान का जन्म और भगवान की ये छठी हम मनाते हुए। नमस्कार खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। भारतीय शिक्षण मंडल की एक बैठक आयोजन शनिवार को किया गया था, इसके बाद इनके पदाधिकारी शौर्य पीठ मऊ सहानिया पहुंचे, जहां पर 52 फीट ऊंची महाराज छत्रसाल की प्रतिमा को देखा, निहारा और उसके बाद उनका ये कहना था कि ये स्थल युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाला स्थल है। उनका कहना था कि महाराजा छत्रसाल लोगों के लिए आदर्श हैं, इस क्षेत्र के लिए जहां एक महान हस्ती हैं तो वहीं दूसरी ओर वे राष्ट्र पुरुष हैं, न कि सिर्फ एक बुंदेलखंड की हस्ती। शौर्यपीठ पहुंचकर प्रतिमा के दर्शन किए और आसपास के स्थलों का भी जायजा लिया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुकुल कानिटकर के अलावा सागर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी सहित संस्था के अध्यक्ष भगवत शरण अग्रवाल, डॉक्टर पवन तिवारी, राकेश शुक्ला, गोविंद सिंह, धीरेन शिवहरे सहित बड़ी संख्या में शोध संस्थान के पदाधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे। नौगांव सरस्वती शिशु मंदिर का स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद था। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरों से लगातार अपडेट बने रहने के लिए देखते रहिए प्रैक्टिक टाइम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।